गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना दोस्त निशांत। वैसे गुड मॉर्निंग आपके लिए और मेरे लिए तो गुड आफ्टरनून होने वाला है। अपन है अभी द्वारिका में, इससे पहले वाली वीडियो आपने अच्छे से देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आई बटन में लिंक दे रखा है, जाके फटाफट से देख के आ जाओ। बाकी बस अब यहाँ से अपन निकल रहे सीधा सोमनाथ के लिए। बाकी सामान वामान सारा पैक हो चुका है, चलिए निकलते हैं अपन यहाँ से। हाँ जी, तो अपन ने प्रभु द्वारिकाधीश के दर्शन तो कर लिए, बस यहाँ से अब निकल रहे अपन सीधा सोमनाथ महादेव के लिए। भगवान के दर्शन अपने को बड़े ही अच्छे से हो गए, इतनी भीड़ नहीं थी, सोचा नहीं था कि इतनी कम भीड़ होगी अभी के टाइम पे। वैसे अपने को तो दर्शन अच्छे से हो गए, मन बड़ा ही अच्छा हो गया, खुश सा हो गया, बड़ी अच्छी अपने को पॉजिटिव सी वाइब्स आ रही है। बस अब यहाँ से निकलते हैं अपन सोमनाथ महादेव के लिए, सोमनाथ में दर्शन करेंगे। हुआ तो आज का इससे अपन वहीं पर रखेंगे, देखते हैं कितना। यहाँ से 240 किलोमीटर के समथिंग सोमनाथ महादेव है। वैसे और खूबसूरती देखो ना, इस तरफ भी समंदर का पानी और विंड मिल्स लगी हुई, कितनी प्यारी लग रही है। और इस तरफ भी समंदर का पानी था, पीछे भी निकल गया, कैमरा थोड़ा लेट ऑन किया मैंने। बाकी वैसे अगर आप सोमनाथ या द्वारिका कहीं पे भी अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्रेन की सुविधा भी उपलब्ध है, आप बाय ट्रेन भी आ सकते हैं यहाँ पे। अपन अब यहाँ 235 किलोमीटर तक कंप्लीट समंदर के बिल्कुल साइड में चलेंगे। वो जो पवन चक्कियाँ लगी हुई दिख रही है आपको, उनके जस्ट उस तरफ समंदर ही है, अपने से दूर नहीं है वो बिल्कुल भी। तो 235 किलोमीटर अपन समंदर के पैरेलल ही चलते रहेंगे। यहाँ पे चलने में इतना मजा आ रहा है ना, एकदम स्मूथ रोड है। उसके अलावा भी अगर आप देखोगे बिल्कुल कोई ट्रैफिक जाम वाम कुछ नहीं, गिनती की गाड़ियाँ आ रही है कुछ सी, पर बड़ा मजा आ रहा है। मजे तो इनके है यार, अपन यहाँ गर्मी में परेशान हो रहे, सामने रास्ता देखो और ये मजे ले रही है। सही में ना मजे तो ये पैसे ले रही है, अपन तो यूं गर्मी में परेशान हो रहे हैं। उनका जो बात चल रहा है क्या ही कहना, गजब का ये तो। वैसे अभी अपन समंदर के ऊपर चल रहे हैं बिल्कुल, अपने इस तरफ भी नीचे की तरफ समंदर है और इस तरफ भी समंदर, अपने दोनों तरफ अभी समंदर है और अपन बिल्कुल ब्रिज के ऊपर चल रहे हैं। वाह, कितनी प्यारी जगह है यार। हाँ जी, तो वैसे चलते चलते बड़ी अच्छी जगह पहुंच गए। देखो यहाँ से बीच एकदम से क्लियर दिख रहा है आपको, हमारा राइट हैंड साइड में बिल्कुल रोड के उस तरफ बीच ही है। नारियल वाला है। वैसे अपन अभी साउथ में नहीं आए, अपन सोमनाथ वाले रूट पे ही, और नारियल के पेड़ देखो, वाह कितने मस्त लग रहे हैं ना। इधर बहुत सारे नारियल के पेड़ है, किसी को चाहिए हो तो बोल देना है ना सर, 40 रुपये का एक है। वाओ, इधर हेलीपैड भी है या भैया, अपना प्राइवेट हेलीपैड, कहाँ है मेरा हेलीकॉप्टर। थारी आँख नो आफी में थारा नो बंदानी, थारी रूप ने पूनम नो पागल एक लो। वैसे अभी रोड के दोनों तरफ ना वट वृक्ष है, ये 4 लेन हाईवे, इसके इस तरफ एक और हाईवे है, बीच में ये सारे पेड़ लगे हुए जो बहुत पुराने हैं, आज के तो नहीं, और इनके बीच में से जो रोड निकल रही है, कितना मस्त सीनिक व्यू है यार, पूरी रोड कवर हो गई है। तो श्री सोमनाथ महादेव मंदिर में स्वागत है आपका।
अभी तक वैसे अपन आए नहीं है मंदिर के, यहाँ मंदिर से थोड़ा सा पहले है। अब बस यहाँ आसपास कहीं ना कहीं होटल होटल देखते हैं कोई अच्छी सी और वहाँ रुकते हैं अपन। हाँ जी, तो अपन ने सोमनाथ माई के रूम ले लिया, यहाँ पर सामान वामान अपना सारा बिखेर दिया। बस अब थोड़ी देर के लिए अपन यहाँ पे रेस्ट करते हैं, फिर सीधा निकलेंगे अपन बाहर मंदिर में दर्शन करने के लिए और बीच की तरफ अपन घूमने जाने वाले हैं। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।